वेलकम, स्वागत है आप सभी का। आज अपने लोग देखेंगे एक मैथ्स का क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है, 10 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी, दोनों की वर्तमान उम्र बताइए। इसका मैं इंग्लिश मीडियम डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप अपना देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैथ में क्या होता है कि जो हमें बोलता है ना निकालने के लिए, वही हम मानते हैं, ठीक है। आप अगर क्वेश्चन में देखोगे तो क्वेश्चन में बाप है और बेटा है, यानी कि पिताजी हैं और उनके पुत्र हैं, तो पिताजी का वर्तमान उम्र नहीं पता है, अभी वो कितना है, बात समझ है ना। 10 वर्ष बाद का तो बाद की बात है, 10 वर्ष बाद का तो बाद की बात है, अभी कितना उम्र है, तो ना पिता का उम्र पता है ना बेटा का उम्र पता है। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे इसी से, यानी कि शुरुआत करेंगे क्वेश्चन को इसी से, मानेंगे तो दोनों की वर्तमान उम्र बताइए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल में दोनों की मतलब क्या, पिता की और पुत्र की। चलिए तो यहां पे हम लिखेंगे माना की पिता की उम्र। देखो पहले पिता है ना, इसलिए पिता का, या वैसे भी समझ सकते हो, इज्जत देने के लिए, प्रतिष्ठा देने के लिए, ऑनर प्रोवाइड करने के लिए पहले पिताजी का सम्मान होता है पहले, इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पे पिता का लिख दिया, और क्वेश्चन में भी पहले पिता दिया इसलिए, ठीक है। बाकी आप उल्टा पुल्टा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, डजंट मैटर। माना कि पिता की वर्तमान उम्र, वर्तमान मतलब अभी का उम्र, प्रेजेंट एज। इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट क्या लिखेगा, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर, ठीक है। अच्छा, माना कि पिता की वर्तमान उम्र एक्स बराबर एक्स वर्ष है, एक्स वर्ष है, क्लियर। पिता की वर्तमान उम्र कितना मान लेंगे, एक्स वर्ष। अच्छा, अब यहाँ पे तथा बेटे का, बेटा यानी कि पुत्र की वर्तमान उम्र, आप ऐसे भी लिख सकते हो की वर्तमान उम्र, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है, ठीक है। अब देखो तो ये बनेगा दो तरीका से, एक होता है टेंथ मेथड में क्या करेगा, जब टेंथ में जाओगे ना तब वहां पे बनेगा कि पिता की उम्र एक्स वर्ष, पुत्र की उम्र वाई वर्ष, ऐसे भी बनेगा। तो अभी तो आप लोग थोड़ा जूनियर क्लास में, क्योंकि ये सवाल 7-8 के लेवल का स्टूडेंट के लिए मैं अभी फिलहाल में बता रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। ये 7th और 8th के स्टूडेंट के लिए मैं बता रहा हूँ। तो इसका दो तरीका बनेगा, एक तरीका बनेगा माना कि पिता की उम्र एक्स वर्ष और दूसरा वाई वर्ष, लेकिन अभी मैं 8th के लेवल का बता रहा हूँ, तो इसलिए मैं अभी यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक्स लिखूंगा, यहाँ पे दे दूंगा 5 दे दूंगा, इतना वर्ष है। अब यहाँ पे थोड़ा मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है, पिता की उम्र की 5 गुनी है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। तो देखो पुत्र की उम्र अगर आप एक्स मानोगे, देखो यहाँ पे देखो पुत्र की उम्र, देखो क्या कहता है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है, यानी कि पिता का उम्र 5 गुनी है, यानी कि पुत्र होगा 10 साल का तो पिता होगा 50 साल का, 10 × 5 = 50, पुत्र होगा अगर 3 साल का तो पिता होगा 3 × 5 = 15 साल का, ऐसे करके, ठीक है। अगर पुत्र होगा मान लीजिए 7 साल का तो पिता होगा 21 साल का, मतलब मेरे कहने का मतलब समझिए, यानी कि 5 गुना, पुत्र होगा 7 साल का तो पिता होगा 7 × 35 साल का, 35 साल का 5 साल गुना करेंगे तो 35 साल का, यानी कि ये पुत्र है और ये क्या है, पिता है, तो 5 गुना है। पुत्र होगा अगर मान लीजिए 7 साल का तो पिता हुआ 7 × 5, क्योंकि 5 गुना है, ठीक है। पुत्र होगा मान लीजिए अगर 3 साल का, ठीक है, तो पिता कितना होगा, 3 × 5 तो 15 साल का, इस हिसाब से मैं कहने का मतलब समझिए, ठीक है। ऐसे तो अब देखो पुत्र को मान लेंगे हम एक्स मानेंगे, पुत्र को अगर एक्स मानेंगे तो पिता कितना होगा, तो पुत्र ये तो रोबे करेगा लेकिन इसी का 5 गुना, तो 5x हो गया ना पिता, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 5x लिखा। तो पुत्र की उम्र कितना हो गया, x हो गया, पिता की उम्र 5x हो गया, क्योंकि पुत्र के 5 गुना है, तो ना पुत्र अगर x होगा तो पिता कितना हो गया, 5x हो गया, ठीक है। अभी मैंने अभी एग्जाम्पल से बताया, अगर मान लो देखो एक टाइम और लास्ट टाइम, पुत्र अगर होगा 10 साल का, ठीक है, तो पिता क्या होगा, 5 गुना होगा, तो 10 तो देवे करेंगे, कि देखो 10 तो पुत्र का आवे करेगा, इसका 5 गुना, तो 50 साल का पिता होगा, पिता होगा 50 साल का तो पुत्र होगा 10 साल का, इस टाइप का, क्लियर। तो वही यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि मैंने वहां पे क्या लिखा है, यह पिता की उम्र वर्तमान उम्र यानी कि अभी का उम्र 5x और पुत्र की वर्तमान उम्र x साल। अच्छा, अब ऐसे क्वेश्चन में देखो 10 साल का बाद का बोल रहा है, तो 10 साल का बाद का बोले या 10 साल का पहले बोले, तो वो यहाँ पे अपने लोग कर लेते हैं,
तो यहाँ पे लिख दो 10 वर्ष बाद तो पिता की उम्र, 10 वर्ष बाद पिता की उम्र, वर्तमान नहीं लगाइएगा, 10 साल के बाद वर्तमान थोड़ी हुआ, वो तो भविष्य ना हुआ, तो पिता की भविष्य में उम्र ऐसे करके, या पिता की उम्र, तो उतना हिंदी नहीं झाड़ना, ठीक है, पिता की उम्र, तो अभी मान लो कितना हो गया 5x, तो 10 साल के बाद जुड़ेगा ना जी। अरे आप अभी स्टूडेंट हो तो आप अभी हो मान लो 10 साल का, तो 10 साल के बाद कितना का हो गया, तो जुड़ेगा ना 10 साल उसमें, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या दिया प्लस का, क्योंकि बाद पूछ रहा है, तो बाद पूछ रहा है तो क्या देंगे प्लस देंगे, इतना वर्ष होगा, इतना वर्ष होगा, ठीक है। अच्छा, पिता की उम्र तथा तथा पिता की उम्र तथा पुत्र की उम्र, पुत्र पुत्र की उम्र, पुत्र की उम्र, तो देखो अभी पुत्र पुत्र अभी इतना है, इतना साल का है, एक्स माने दिया नहीं है, इसलिए एक्स माने, तो 10 साल के बाद कितना होगा, एक्स जोर 10 वर्ष होगा, होगा क्यों, क्योंकि नहीं पता ना, है थोड़ी देंगे, होगा ना, क्योंकि भविष्य की बात है, फ्यूचर टेंस हो गया ना, तो इसलिए। अच्छा यहाँ तो कोई दिक्कत, अगर बोलता पहले तो यहाँ पे क्या देते, माइनस दे देते। अच्छा यहाँ तो कोई दिक्कत, अब देखो अब यहाँ से मेन स्टार्टिंग है, अब यहाँ से क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रश्न से, अब देखिए आगे पढ़ने से पहले मैं यहाँ पे एक नोटिस दूंगा, आगे पढ़ने से पहले मैं यहाँ पे नोटिस दूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो ना तो आप हमसे जुड़ जाओ, आप पक्का से पक्का सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, अपने दोस्तों में क्या करो, अपने फ्रेंड सर्कल में क्या करो, प्रचार प्रसार करो। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, तो ये मैं अच्छा से बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, एक ही चीज मैं बार बार नहीं बता सकता हूँ, बोरिंग लगेगा, ठीक है, क्योंकि जो नया स्टूडेंट होगा तो उसको तो मजा आएगा समझने में, सर बहुत अच्छा बताते बहुत अच्छा बताते, लेकिन ये पुराना स्टूडेंट है वो ये सोचेगा कि सर देखो एक ही चीज को खिसाब, सर नया नया कंटेंट नहीं अपलोड करते हैं, एक ही चीज को खिसाब पिटासी सर पढ़ाते हैं, तो वो तो बोरिंग होगा, आपको भले अच्छा लगेगा लेकिन उसको तो बोरिंग फील होगा, लेकिन मैं क्या करूं, मैं तो धर्म संकट में हूं, तो मैं दोनों को खुश करूंगा, आपको भी खुश करूंगा, उसको भी खुश करूंगा, तो मैं दोनों को खुश करूंगा, लेकिन अगर हो सकता है मैं कहीं कहीं स्किप कर दूं या जल्दी जल्दी बोल दूं, वहां पे आप समझ जाइएगा कि सर उसको अच्छा से पिछले वीडियो समय क्लियर कर चुके होंगे, इसलिए कहीं कहीं मैं स्किप कर दूंगा, इसलिए आप पक्का से पक्का सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, पक्का से पक्का सब्सक्राइब कर दो, कुछ भी दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है, मैं पूरा कोशिश करूंगा आपको खुश रखने का, सेटिस्फाइड करने का, ठीक है। अच्छा अब इसके आगे देखो, मान लो ये पिता का उम्र है, ठीक है, 10 साल बाद का पिता का उम्र है, क्लियर, और ये बेटा का उम्र है 10 साल के बाद, यहाँ तो कोई दिक्कत ना, 10 साल के बाद प्लस किए, यहाँ भी प्लस दे दिया बाद का है इसलिए। अच्छा अब यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन देखने की जरूरत है, क्वेश्चन देखो, 10 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की तीन गुनी हो जाएगी, अब यहाँ पे थोड़ा रुक जाओ, अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाओ, देखो यहाँ पे तराजू वाला दिमाग लगाओ, तराजू वाला, ठीक है, तराजू वाला दिमाग लगाओ, बोलेंगे सर अच्छा खासा सवाल बता रहे थे लेकिन बीच में तराजू कहाँ से आ गया, देखो इसी से आप समझिएगा, तराजू क्या होता है, तराजू ऐसे करके इधर रहता है और इधर रहता है, इधर एक रहता है, ठीक है, इधर एक रहता है बक्सा टाइप का या तख्ता टाइप का कुछ भी समझ लो, एक इधर रहता है, तो दोनों को बराबर करते हैं, अगर मान लीजिए हमने 5 किलो चीनी लेना है को, तो 5 किलो जो चीनी लोगे तो लोहा वाला जो रहता है जिसको बटघरा बोलते हैं, लोहा वाला वजन करने वाला मेटल जो रहता है, लोहा जो रहता है, तो वो आप इधर 5 किलो दोगे कि इधर दोगे, क्यों दोगे, क्योंकि इधर तो आपने चीनी रखा है, इधर तो आपने क्या रखा है, चीनी रखा है, तो इधर अगर 5 किलो दे दोगे तब तो ससरा के नीचे गिर जाएगा, तब तो गलत हो गया, यानी कि दोनों को बराबर करने के लिए इधर तो 5 किलो है बे है, आप इधर ना 5 किलो दोगे तब ना दोनों बराबर होगा, इस हिसाब से बात समझे। अब फर्स्ट एग्जाम्पल हुआ, सेकेंड देखो आपका एज है 10 साल, ठीक है, और मेरा एज है 30 साल, ठीक है, आपका एज है 10 साल, मेरा एज है 30 साल, ठीक है, कुछ भी मान सकते उल्टा पुल्टा, तो आपका एज मान लीजिए 10 साल है, मेरा एज है 30 साल, तो दोनों को बराबर करने के लिए बीस हम में जोड़िएगा, आपका एज है 10 साल, मेरा एज है 30 साल, तो दोनों को बराबर करने के लिए हम में 20 जोड़ोगे कि तुम अपना में जोड़ोगे तो हुआ ना 30 साल 30 साल, ठीक है, इस चीज को आप अभी रिपीट कीजिए, यानी कि जिधर हम सामान लेते हैं, कोई सामान लेते हैं तो 7 किलो मैंने अभी मान लीजिए कुछ लिया, 7 किलो मान लीजिए मैंने चावल लिया, तो 7 किलो चावल लिया तो इधर हम 7 किलो थोड़ी रखेंगे लोहा वाला, नहीं ना, हम किधर रखेंगे, इधर रखेंगे, तब ना दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझिएगा, अब देखिए मैंने ये क्यों बताया, देखो मैंने ये इसलिए बताया, देखो मैंने क्यों बताया, ये मैंने बताया, अब ठीक है इसको ऐसे करके आप फिर रिलेट करो, ठीक है, इसको रिलेट करो, ये पिता का एज, ठीक है, ये पिता का एज और ये उसका बेटा का एज, अब बताओ पिता तीन गुना है, किताब में क्या बोल रहा है, पिता तीन गुना है, अब हमें एक बात बताइए, पिता अगर तीन गुना है
तो ये तो तीन गुना हेवन है। पिता क्या कहता है, दस वर्ष बाद यहाँ पे, यहाँ पे दस वर्ष बाद पिता की उम्र, पुत्र की उम्र के तीन गुनी हो जाएगी, तब ये पिता हुआ। इधर आप, मैंने चीनी और जो गेहूं था उसको हटा के मैंने पिता, इधर पुत्र, तो पिता और पुत्र ये बराबर होगा। ये तो तीन गुना तो हेवे है किताब में, इधर भी तीन गुना दे देंगे तब तो नौ गुना हो जाएगा, तो इधर तीन गुना है तो इधर भी ना तीन गुना देंगे तब ना दोनों बराबर होगा। बात समझे ना, तो ये तीन गुना यहाँ पे छिपा हुआ है, अंडरस्टूड है, ये छिपा हुआ है, इसमें अपने लोग शो करते हैं ऐसे, तब ना फर्क नहीं पड़ा। अब देखिए हो गया, पिता तीन गुना है ये, ठीक है, और बेटा को भी तीन गुना कर देंगे, ठीक है, तीन गुना। तो देखो ये सही कट गया, देखो बैलेंस हो गया ना, बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया, दोनों बराबर हो गया एग्जैक्टली। तो यानी कि जो जो हमने बोलता है ना कि पिता तीन गुना है, ठीक है, ऐसे करके, तो उसका ठीक उल्टा मानते हैं। तो यानी कि देखो यहाँ पे क्या बड़ा है, यहाँ पे क्या बड़ा है, दस वर्ष, देखो दस वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की तीन गुनी हो जाएगी। तो ये पिता हुए, ये पुत्र हुए, ये तीन गुने हो जाएंगे, ये तो तीन गुने हेवे है, तो इसमें तीन गुने का गुना करोगे, इसमें नहीं गुना करोगे इसलिए, ठीक है। अच्छा, तब यहाँ पे आप क्या करोगे, इस ये तो तीन गुना है बे, इसमें तीन गुना करोगे, ठीक है। कोई पूछा कि कैसे हुआ, तो देखो उसको उसको बोलना कि देखो ये पिता है, ये पिता है, अच्छा, और ये क्या हो गया, पुत्र हो गया, ठीक है, ये तो तीन गुना थे किताब के अनुसार, ये तुम अपना हिसाब से दिए हो क्योंकि दोनों को बराबर करने के लिए कट गया, देखो फर्क नहीं पड़ा, ये इसका तो ये हो गया, तो इसलिए तो ये था, तो ये साइलेंट रहता है, जैसे नॉलेज में क्या छुपा रहता है मेरे बाबू लोग, उसी तरह इसमें ये तीन छुपा हुआ है, तो ये इसका तो ये हो गया। अब बोलेगा सर इसमें तीन देश में कहा, ये तो हेबे है ना, आप लोग पढ़ो है ना, दस वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की तीन गुनी हो जाएगी, तो ये तो तीन गुनी हेबे है, इसमें तीन गुनी देंगे, ठीक है, या तो कोई दिक्कत, अच्छा, या तो इसमें आप तीन से गुना कर दो, या तीन से इसमें आप भाग भी दे सकते हो, कोई दिक्कत। अच्छा, अब देखो आगे तो हो गया, अब देखो अब हो गया, यहाँ से आगे हल करेंगे, तो क्या हो गया, पांच एक्स और जो दस बराबर। अब देखो अब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब अब अगर एट क्लास में तो सिक्स सेवन में आप सीखे होंगे, थोड़ा बहुत इसको इससे गुना करते हैं, तो तीन एक्स हो गया, हुआ ना, प्लस 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 और प्लस, फिर यहाँ पे प्लस, तीन को दस से करेंगे गुना तो तीस हो गया। अब एक्स का मान निकाल दो, ठीक है, पांच एक्स, अब यहाँ पे देखो प्लस है बराबर के इधर चला जाएगा, तो क्या हो गया, माइनस थ्री एक्स, तीस प्लस इधर चला गया तो माइनस दस। देखो आपके पास दो हाथ है, ठीक है, सबके पास रहता है, आपके पास दो हाथ है, एक हाथ में है मतलब एक रुपया दो रुपया का सिक्का, ठीक है, फिर दूसरा हाथ में भी है एक रुपया दो रुपया का सिक्का, तो आप क्या करोगे, एक हाथ में एक टाइप का सिक्का रख लोगे, एक हाथ में एक टाइप का सिक्का रख लोगे, तो जिसका मान निकालते हैं, तो एक्स का मान निकालना है, तो एक्स को कोई एक तरफ ले लेते हैं, जैसे कलम है, तो कलम का या तो इधर रख दो, यानी कि एल एच एम मतलब या तो आर एच एस में रख दो, या तो एल एच एस में रख दो, कोई एक जगह कर दो, तो मैंने इधर कर दिया, इधर किया तो प्लस है, यहाँ पे छुपा हुआ है प्लस है, प्लस है बराबर किधर चला गया तो माइनस हो गया, तीस प्लस बराबर किधर चला गया तो माइनस हो गया। आप देखो पांच से तीन गया तो दो एक्स हो गया, दोनों से बड़ा कौन है, पांच का चिन्ह जोड़ नहीं भी देंगे तो चलेगा बराबर, प्लस माइनस माइनस, तीस में से दस गया तो कितना हो गया बीस, ठीक है, यहाँ तो दिक्कत। अब इसलिए एक्स का मान निकालते तो यहाँ पे क्या होता है, इधर का जो बराबर का इधर रहता है ना हाथ का, ये ऊपर चला जाता है, यानी कि न्यूमिनेटर में, ये कहाँ जाता है नीचे में, डिनोमिनेटर में, कट गया कितना हो गया, ये दस हो गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, दोनों के वर्तमान रूप में निकालने के लिए, तो लिखेंगे अतः, हो गया अतः, अतः पिता था पहले तो पिता थे, तो पिता की वर्तमान उम्र, पिता की वर्तमान प्रेजेंट एज ऑफ फादर, पिता की वर्तमान उम्र, पिता की वर्तमान उम्र पांच एक्स वर्ष, यही नहीं माने थे अपने लोग, देखो पांच दोनों के बीच में कुछ नहीं तो क्या है, गुना है ना, तो पांच गुने एक्स का मान दस मान लेंगे, ठीक है, दस वर्ष तो कितना हो गया, पिता का उम्र पचास वर्ष, ठीक है, पिता का उम्र पचास वर्ष, ठीक है, तथा तथा पुत्र की उम्र, पुत्र की वर्तमान उम्र, पुत्र की वर्तमान उम्र, पुत्र की वर्तमान उम्र, ठीक है, एक्स वर्ष, पिता पुत्र की वर्तमान उम्र कितना, एक्स वर्ष, एक्स में कितना होगा दस वर्ष, ठीक है। आप यहाँ पे इसका आंसर क्या हो गया, इसका इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया आपका ये दस और पचास, इसको उल्टा पुल्टा कर दो, यहाँ पे ये भी यही सीख है ना, यहाँ पे लकीरें को खींच दो, यहाँ पर लिख दो ए एन एस, नहीं तो आप उतार के भी लिख सकते हो, इस टाइप का पचास और दस, ठीक है, आंसर वर्ष वर्ष लगा दो, ईयर्स ईयर वर्ष, यहाँ पे क्या लगा दो वर्ष, तो आप देखो चेक करिए अपने लोग का सवाल सही है क्यों सही है, क्या बोलता था, पिता जो है ना क्या कहते हैं पुत्र की उम्र से पांच गुने हैं, तो देखो बेटा कितना हो गया दस साल का, तो पिता कौन होगा पचास साल का, तो दस पच्चीस पचास हुआ ना, थोड़ा ना टेक्निक, देखो देखो पिता पिता कितना पचास साल का, तो पुत्र कितना हो गया दस साल का, तो दस गुना पांच, पांच गुना हुआ ना, पांच गुना बोल रहा था ना, तुम्हारा दस पच्चीस पचास हो गया ना, खत्म फिनिश,
आई होप आप लोग अच्छा से समझे होंगे, कुछ भी दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट कीजिए, ठीक है, मैं पूरा कोशिश करूंगा रिप्लाई करने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद। आप कुछ भी नहीं समझे होंगे तो आप पक्का हमें कमेंट करना, मैं पूरा कोशिश करूंगा आपको फिर से बताने का, और प्लीज सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।